ये वाला गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग थैंक यू। आनंद आप रामपुर के निवासी हैं? नो, मैं बहराइच का निवासी हूँ। मेरी मदर सर मैं बल रहा हूँ। अच्छा, तभी मदर के बारे में भी मालूम तो होना ही चाहिए। जी जी। हाँ, तो बलरामपुर लखनऊ से कितनी दूर है? करीब मैं 175 किलोमीटर। बलरामपुर पुरानी रियासत होती थी क्या, वहाँ राजा होते थे? जी मैम, बलरामपुर की रियासत थी जो ब्रिटिश पीरियड में काफ़ी बड़ी रियासत मानी जाती थी, और इसका माना जाता था कि ये ब्रिटिश के सपोर्टर थे बलरामपुर। आपका क्या विचार है? मेरा विचार मैम है कि वो सपोर्टर थे ब्रिटिश के, उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिश को सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने कुछ नेशनलिस्ट लोगों के साथ भी काम किया, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने में मदन पंडित मदन मोहन मालवीय जी का बनारस बलरामपुर के महाराजा ने साथ दिया। तो एक बात बताइए, आपने तो मतलब शुरुआत ही में जो है बहुत ही रोचक बात कही, क्या किसी सत्ता में कोई आदमी क्रांति कर सकता है क्या? आप कह रहे थे वो ब्रिटिश के सपोर्टर थे, उनके पास कोई और ऑप्शन था क्या? मैम 1857 के रिवोल्ट में देखा गया था, और उसके पहले भी जो जनजातीय और कृषक आंदोलन हो रहे थे, तो बहुत सारी जनता थी जो अपने राष्ट्रीय मांग को लेकर के और उसके जो जातीय और जो सामाजिक हित थे उसको लेकर के लगातार वो आंदोलन रद्द थे। तो ऐसे में तो देखा जा सकता है 1857 की क्रांति में कई सारे महाराजा भी ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए। तो 1857 आपका जो है कट ऑफ। अच्छा, ये क्या है जनाब, ये आला क्या होता है? मैम ये बुंदेलखंड का मेनली एक वीरगस का लोक काव्य है, जो आल्हा और उदल दो चंदेल किंगडम में दो सेनापति थे, उनकी वीरता के गाथे इसमें गाए जाते हैं। मतलब जैसे कि आपका वो कौन से राजस्थान के पदम वो रात मतलब जो बैलेट्स कहते हैं जो गाथा मतलब जी जी बनवाते थे ये, जैसे आपका मुगल समय में ये होता था कि आपके किसी हिस्टोरियन को पकड़ लो वो आपकी तारीफ में कोई किताब लिखते, कुछ यही है। मतलब बायस्ड व्यू है ये, कहा जा सकता है। मैम जैसे रासो काव्य जैसे आप वो मेंशन करे थे, उसे मैम रासो काव्य कहते हैं, जैसे चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज के बारे में लिखा है। जी, तो ऐसे ही पर जगनिक एक कवि थे, उन्होंने परमाल के बारे में उनकी गाथा लिखी। तो हिस्ट्री आपका मानना ये है जी कि इतिहास कविताओं के थ्रू या इसी तरीके से आगे की पीढ़ियां आज की तारीख को तभी याद करेंगी जो कविता चलेगी। तो आप जो ये आला सुनते हैं, ये आला जो है आपको लगता है डिस्टॉर्टेड व्यू देता है हिस्ट्री का? हिस्ट्री जो इतिहास ऐसी चीज है जो किस चीज पर निर्भर होती है? मैम आल्हा का मुख्य उद्देश्य मुझे लगता है कि इतिहास बताना, वो एक लोक काव्य है जो उनके जो उनकी वीरता है उसके गाथा बता रहा है। हमें क्या मालूम कि वो वीर थे कि नहीं थे, पर मैम मुझे लगता है कि जो उस टाइम के अदर सोर्सेस हैं उसके थ्रू हम अगर उसको बैलेंस करें, वहां से हम उनके उदाहरण को लें, और फिर जो आल्हा में लिखा गया है परमाल रासो के अंदर जो लिखा गया है, उन दोनों की तुलना करें तो मुझे एक सही तस्वीर हमें मिल सकती है। मैम आपका क्या विचार है, सही तस्वीर है? मैम अब जो रासो काव्य थे वहां पर तो प्रशंसा के लिए लिखा ही जा रहा था, तो उसमें जरूर यह है कि कुछ बड़ाई की गई है, पर जैसे अगर आप पृथ्वीराज रासो से उसकी तुलना करें परमाल रासो की, और जो उस समय जो मुस्लिम शासकों ने जो लिखा है चंदेल किंगडम के बारे में जो उनकी इतिहास रहा है, तो मुझे लगता है उससे अगर हम तुलना करें तो वो हमें एक सच तस्वीर मिल सकती है। और आपके फादर का डिस्ट्रिक्ट बहराइच है? जी, बहुत ही मतलब कह सकते हैं। हाँ, मतलब yes. कह सकती हूँ या सही है? नहीं, सरकार का तो ऐसा ही मानना है। और आपका क्या मानना है? मेरा भी मानना है। आप सरकार की क्यों बात कर रहे हैं, आप देश के प्राणी हैं। मैम जो भी आंकड़े हैं इंडेक्सेस हैं उनमें जो हमें दिखता है जो रैंक्स हैं या जो हमको सोशल एजुकेशनल जो एक तस्वीर दिखती है उससे के उसी के आधार पर हम भी निर्णय लेते हैं। लैंड होल्डिंग साइज क्या है वहाँ? मैम स्पेसिफिक भराइज का तो नहीं पता है। आपको कुछ खेती के बारे में मालूम है वहाँ? जी जी भाई, अगर ज्यादा बड़ी जमीन होगी ज्यादा आउटपुट होगा। जी, वो तो कॉमन सेंस है। मैम छोटी है पर वो एक्यूरेट मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने। छोटी तो पॉपुलेशन का ज्यादा दबाव है? हाँ, पॉपुलेशन मैम है पर ओवरऑल यूपी में जितना है उससे थोड़ा कम ही है। यूपी में करीब 800 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, पर बहराइच में 666 लोग रहते हैं। तो आपका तो क्योंकि आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हैं जी, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, आपके यहाँ कोई नेचुरल वाटर बॉडीज हैं वहां पर?
इसमें बहराइच, जैसे माना जाता है कि तराई क्षेत्र में बहराइच आता है, तो वहां पर जो नेपाल की तराई में बहुत सारे तालाब हैं और इस तरह के जो वाटर बॉडीज हैं, क्या क्या गांवों में जो नेचुरल वाटर बॉडीज है उनको मेंटेन करने का कोई एक सिलसिला चालू हुआ है, या उस पर भी आजकल हम सुन रहे हैं यूपी में बहुत सारे लोग, अभी हाल में ही मैंने कल पढ़ा कि लोगों ने वाटर बॉडी पर अपनी इमारतें खड़ी कर दी हैं, तो आजकल बुलडोजर जा रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, तो आपके यहाँ क्या कुछ अवेयरनेस है इस तरीके से कि वाटर बॉडी को प्रिजर्व करना है, उससे खेती में फायदा होगा? इस तरह के इंक्रोचमेंट्स तो मैम मुझे लगता है ये एक जनरल तस्वीर अभी अभी के समय की है, पर हमारे यहाँ मैम हमारे घर के ही आसपास बहुत सारे तालाब हैं, वहाँ पर अभी सरकार ग्राम सभाएं मनरेगा के थ्रू उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम कर रही है, और मेरे गांव के पास ही एक बघेल तालाब करके मैम बड़ा सा तालाब है, उसके प्रिजर्वेशन के लिए जिला प्रशासन भी काम कर रहे हैं। नरेगा में आप क्या हो रहा है? जी मैंने तो सुना था नरेगा में केवल लोगों को मोटरसाइकिलें मिल रही हैं और बच्चे एक एक मारकर काला चश्मा पहनकर घूमते रहते हैं। मुझे लगता है मैम जल संरक्षण के लिए मनरेगा में काम ठीक हुआ है, अदर फील्ड्स में अगर उसमें कुछ चैलेंजेस जरूर हैं, पर वाटर कंजर्वेशन के लिए मनरेगा मोटरसाइकिल चैलेंज नहीं है। मोटरसाइकिल आई है कि नहीं आई है बैराइज में? आई है। आई है? और कब आई है? मैम ये मनरेगा के बाद ही। आप तो बहराइच में आप कह रहे हैं कि बड़ा मतलब पिछड़ा जिला है, जबकि लैंड तो वहाँ की बड़ी फर्टाइल है, दोआब का क्षेत्र है, हमारी समझ से यूपी में इससे फर्टाइल डिस्ट्रिक्ट तो मतलब वन ऑफ द मतलब बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो बड़ा पिछड़ा है? सर उसमें एक कारण तो जैसे मैम ने मेंशन किया कि लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है, और दूसरा कारण सर जो पॉवर्टी वहां पर है वो बहुत ज्यादा है। लैंड सीलिंग वहां नहीं हुई क्या? लैंड सीलिंग सर हुई लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। सर लैंड सीलिंग और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का सर एक तो लैंड सीलिंग करेंगे तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना। जी जी, तो उसका एक ये देखा गया आउटकम की उससे जो छोटी ही हुई लैंड सीलिंग लगाने से, जैसे कई जैसे आपने बताया कि वो वहाँ के महाराजा थे जिनकी भी, आप मनकापुर की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? वो सर बलरामपुर रियासत, बलरामपुर रियासत अलग थी, आपके बगल में तो सारी रियासतें थी मनकापुर के, मनकापुर रियासत सारे अगल बगल सब राजा ही थे। जी जी, तो बाद में तो उनका लैंड सीलिंग हुई, उनकी लैंड सब ली गई आफ्टर 1947 के बाद में, सबकी लैंड लेके और डिस्ट्रीब्यूट की गई। बहराइच में तो जिनके पास में जीरो लैंड थी उनके पास में 14-14 एकड़, 3-3 एकड़, 12-12 एकड़ ऐसे लैंड सबको डिस्ट्रीब्यूट की गई। जी आपके पास कितनी लैंड है, मतलब आप अपने हिसाब से देख रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट के, आपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा है या केवल? हाँ पढ़ा है सर। तो फिर आपने बैकवर्ड कैसे कह दिया? सर बैकवर्ड से सोशियो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनमें इंडस्ट्री नहीं है। हाँ सर इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत तो अच्छा। यूपी का वही हाल है जी, वो तो कोई बहराइच तो गोंडा का कोई अच्छा है क्या? नहीं सर बहराइच जैसे सर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बहराइच आता है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में भी बहराइच टॉप जो लोएस्ट टॉप नीचे से टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है उसमें उसका स्थान है, तो इस बेसिस पे सर हम कह सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया भी वहां पे बहुत अच्छा है जी। हाँ यूपी में बाकी डिस्ट्रिक्ट से तो फिर क्यों नीति आयोग ने दिया? व्हाई व्हाट इज द रीजन? वो लैंड होल्डिंग सर कम होने का एक कारण ये भी है कि बहराइच में मैम फॉरेस्ट एरिया बहुत काफी ज्यादा है, तो जो एग्रीकल्चर ज्यादा है वो कम हो जाती है। तो जी इसके साथ ही सर जो लोगों के में पॉवर्टी बहुत है, तो जो इनपुट का जो होना चाहिए एग्रीकल्चर में वो बहुत कम हो पाता है, और जो मशीनीकरण है एग्रीकल्चर का वो बहुत कम है सर, तो ये सब कारण मुझे लगते हैं। वो तो इंटायर यूपी का है, वो तो खाली बहराइच का ही नहीं है। अच्छा एग्रीकल्चर में अभी किसान आंदोलन से आपका क्या रुख है? आप क्या बहराइच में पहुंचा किसान आंदोलन कि नहीं पहुंचा, और केवल वेस्टर्न यूपी तक ही क्यों रहा, वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वहां लखीमपुर खीरी बगल में है जी, वहां पे अभी जो घटना हुई उससे कुछ वहाँ के किसानों में कुछ रोष हुआ या क्या, उसके बारे में आप क्या समझते हैं? क्योंकि लखीमपुर खीरी और बहराइच तो बिल्कुल लगे लगे हुए हैं, बॉर्डर है, तो क्या व्हाट इज मीन बाय दिस?
बहराइच में जैसे जो जो किसान आंदोलन देखा गया वो किसान संगठनों के द्वारा जो प्रायोजित एक तरीके से आंदोलन था, एंड बगल में तो बिल्कुल लगा हुआ खीरी डिस्ट्रिक्ट है जी, वहां क्यों इतना ज्यादा हुआ? वहां सर जो भारतीय किसान यूनियन है उसका संगठन लखीमपुर में मजबूत है, और वहां नहीं है आपके यहाँ? बहराइच में सर है संगठन तो है, पर वो सर मजबूत नहीं है उस तरह से, क्योंकि लखीमपुर में जो पंजाब से माइग्रेटेड किसान है जिन्होंने वहां से अपनी जमीनें उनकी कम थी बेच करके उन्होंने तराई क्षेत्र में जमीन खरीदी और यहाँ जमीनें सस्ती थी तो काफी बड़ी फार्म उन्होंने बना लिया, तो जो सिख किसान हैं वो अलग अलग कृषि संगठनों से वो जुड़े हुए हैं और उनमें एक तरीके से अवेयरनेस है, पर जो लोकल किसान है जो बहराइच के हैं वो उनमें उस अवेयरनेस नहीं है, उनकी लैंड होल्डिंग भी बहुत कम है, तो मुझे लगता है उन किसानों में ही ये अवेयरनेस किसान आंदोलन की। आपके यहाँ अवेयरनेस ज्यादा नहीं थी? सर मेरे यहाँ प्रभाव बहुत ही कम था। अच्छा जी, एंड ये जो यूपी में इतने लोगों को फ्री राशन वगैरह पिछले 2 साल से मिल रहा है, इसके बारे में आपका क्या, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपका क्या रुख है? सपोज यू आर ए चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, तो आप क्या करना चाहेंगे? तो मुझे लगता है ये स्कीम सर काफी अच्छी स्कीम है सरकार की, क्योंकि कोविड काल में लोगों के पास इनकम के सोर्स कम हो गए थे, तो अगर उनको हमें, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं तो लोगों को सोशल जस्टिस देना ये सरकार का काम है, अगर सरकार के रिसोर्सेस अलाउ कर रहे हैं देन सरकार को सर इस तरह के कदम उठाने ही चाहिए। तो आपके यहाँ कितना डेट पे है आपका प्रदेश जो है? सॉरी सर इस बारे में अभी हाल में आपने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री की मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी मुख्य सचिवों के साथ? कुछ आप कुछ इंस्टांसेस अगर आपने श्रीलंका के बारे में इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ा है जी, सर ने जो प्रश्न रेज किया है उसका श्रीलंका से क्या लगा, क्या लिंक बैठता है? श्रीलंका में मैम माना जा रहा है कि जो इस तरह की लोक लोभावन नीतियां थी सरकार ने बढ़ाया तो उसके राजकोष पर उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, तो ये जो क्राइसिस है उसमें एक कारण माना जाता है। कोई कनेक्टिविटी हो सकती है उसकी, आपने ये कहा हो सकता है रिसोर्सेस हो तो गवर्नमेंट खर्च, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप बोल रहे हैं क्योंकि यू बिलोंग टू यूपी जी, इजंट इट? आप यूपी के बारे में मतलब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इजंट इट? वहां पर ये जो नीति 2 साल से चल रही है, एज ए चीफ सेक्रेटरी आप अपने सीएम को या पीएम को क्या एडवाइस करेंगे, जबकि आपके यहाँ 4.5 से 5 लाख करोड़ रुपए का आपके ऑलरेडी डेट पे है, कितना आपका पैसा इंटरेस्ट पे जा रहा है, इजंट इट? बाकी पॉलिसीज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके पास में पैसा नहीं, भर्तियां आपकी 3 साल से नहीं हुई हैं, ठीक है ना? बाकी जगह आप जो पब्लिक सेक्टर में जब उन लोगों को जॉब देंगे वो सब आपके डूब रहे हैं, जितने भी यूपी के पब्लिक सेक्टर हैं, आर यू अवेयर? जी जी, कौन कौन से पब्लिक सेक्टर हैं यूपी में? सर हेल्थ एक है पब्लिक सेक्टर, उसमें सरकार खर्च कर, हेल्थ पब्लिक सेक्टर मतलब बाकी पब्लिक सेक्टर जो आपके हैं जैसे यूपी एक्सपोर्ट कारपोरेशन है, हैंडलूम कारपोरेशन है, एग्रीकल्चर कार पब्लिक सेक्टर, पराग है आपका, ये सब, तो ये तो सब बिल्कुल एकदम वहां तो सैलरी तक मतलब आर यू अवेयर और ना जी, तो फिर आप बताइए ना कि वहां पे क्या मतलब 5th pay commission है, वहां पे 7th pay commission तक नहीं लागू है, यू एक्सप्लेन जी, जैसे अगर आता है तो, नहीं तो दूसरा हम बढ़े। नहीं सर मेरा इसमें टेक यह है कि जैसे अभी बहुत न्यूज में हम पढ़ते थे कि FCI के गोदाम में अनाज जो है वो सड़ रहे हैं, FCI की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं, FCI तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया जी, जो आपके यहाँ के जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, उनका 6th pay commission 7th pay commission तक लागू नहीं हुआ है जो हम लोग जी देखते हैं जी, इजंट इट? और दूसरी तरफ आप ये कर रहे हैं तो उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर मुझे लगता है ये कोविड के कारण जो एक अप्रत्याशित, कोविड तो अभी 1.5-2 साल से आया है ना, उसके पहले से ही था। चलो बाकी एक सेकंड, दिस इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो आपका बजट आया जी, तो बजट में एग्रीकल्चर के बारे में आपका, जैसे बहराइच में आपकी कौन सी नदी है, घाघरा है जी, घाघरा, तो क्या उसके बारे में कुछ दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में? सर कुछ आपने देखा
जो अभी घाघरा का नाम सरकार ने सरयू कर दिया, तो जो सरयू नहर निर्माण परियोजना का नाम समझ जाइए क्या योजना दी है सर वो बजट ने, उससे सर नहर निर्माण के लिए सरकार ने अभी प्रयास किया है और अभी प्राइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में क्या किया है यार स्पेसिफिक। अच्छा तो आपने देखा नहीं है। एंड व्हाट अबाउट आपका जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, जीडीपी आपकी देख ही रहे हैं कितनी गई है हा? जी। बाकी आपका एक्सपोर्ट तो कितना गया है? एक्सपोर्ट सर लगभग $400 मिलियन का, और इंपोर्ट? इंपोर्ट करीब 625 के आसपास। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे फेवर में है अगेंस्ट में? अगेंस्ट है। अच्छा जी। एंड आपका एफटीए साइन हुआ है, उसके बारे में भी तो कुछ देखा होगा जी। हाँ क्या, व्हाट इज द मेन थिंग आप यूएई के साथ में जो हुआ है? सॉरी सर यूएई की, अभी ऑस्ट्रेलिया का मैंने पढ़ा है सर। चलो आप पूछो सर। जी फैक्ट, मैं आपसे एक पहली बात तो जानना चाहूंगा कि आपने अपना जो चॉइस, आपका जो जी चॉइस ऑफ पोस्ट, इसमें आपने बिल्कुल ही इंडियन फॉरेन सर्विस को ड्रॉप आउट कर दिया, नॉट ऑप्टेड जी। तो ऐसा कुछ इस तरह का प्रिजुडिस क्या है फॉरेन सर्विस? सर प्रिजुडिस सर मेरे मन में कोई नहीं है, बट मैं ये सोचता हूँ सर कि आईएएस आईपीएस के लिए मैं ज़्यादा सुटेबल हूँ, जो यहाँ डाइवर्सिटी और जो चैलेंजेस है इन जॉब्स में, वो मुझे लगता है सर फॉरेन सर्विस में मुझे नहीं मिलेगा। और जो मेरी पर्सनालिटी है उससे सर मैं इससे इसको रिलेट कर पाता हूँ कि मैं अगर फील्ड वर्क करता हूँ तो ये मेरी पर्सनैलिटी से मैम सूट करेगा। नहीं तो आईएफएस क्या फील्ड जॉब नहीं है? तो पूरा टाइम फील्ड जॉब होता है। आप आजकल समझ रहे हैं फॉरेन सर्विस वालों का क्या रोल है जी? फॉरेन पॉलिसी का है? इंडिया पर कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं? सॉरी, फॉरेन पॉलिसी का है इंडिया पर कुछ इम्पैक्ट है? मैम इंडिया के ऊपर फॉरेन पॉलिसी तो का बहुत इम्पैक्ट है। जैसे कि अभी जो अभी रिसेंट की अगर घटना देखा जाए तो हमने जिस तरह से एक न्यूट्रल स्टैंड अपना यूक्रेन और रशिया वार में, वो तो डायलॉग की बात है जी। तुम नट्स एंड बोल्ट्स की बात करो, आप ये बताओ कि फॉरेन पॉलिसी का इंडिया पर, इकोनॉमी पर, सोशियोलॉजी पर क्या क्या इम्पैक्ट आता है? मैम फॉरेन पॉलिसी, जैसे हमने गुटनिरपेक्ष की नीति फॉरेन पॉलिसी में अपनाई, तो उसके थ्रू हम जो हमारी एक स्वतंत्र एक जो रणनीतिक स्वायत्तता थी वो मेंटेन हुई। अभी आपने जो करंट यूक्रेन क्राइसिस चल रही है उसके बारे में आपको, आपने भी कुछ पढ़ा हुआ होगा, व्हाट्सएप वगैरह आता होगा आपके पास, आजकल तो व्हाट्सएप ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसने आपने पढ़ा कि इंडिया और रशिया के बीच में रूबल और आईएनआर का कुछ चल रहा है जी, वो फॉरेन पॉलिसी का इम्पैक्ट नहीं आएगा आर्थिक व्यवस्था पर? मैम मैं वो उसी पॉइंट पर आ रहा था, वो जो यूक्रेन का वार मैंने बताया था। मैम जो अभी जिस तरह से यूएस ने यूक्रेन की तरफ भारत को समर्थन करने के लिए दबाव डाला है और एक आर्थिक प्रतिबंध का की बात की है, तो चूंकि रूस के जो वेस्टर्न पावर है उन्होंने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है मैम, तो रूस भारत के साथ या जो उसके और एलाइज देश है किस तरह से वो अपने व्यापार को सुचारू रूप से चलाए, तो इसलिए वो तो बहुत ही एक्साइटमेंट है। मतलब आप देखिए, आपने तो ऑप्ट नहीं किया, आप जाइए आप ऐसी चीजों पर, वो तो फील्ड वर्क है, सारा फील्ड वर्क है। आप तो में जाएंगे, बच्चों को लेके आएंगे, यूक्रेन में बच्चे गए, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो शायद ये प्रॉब्लम और आसानी से वो हो सकती थी, उनको प्रॉब्लम नहीं होती, अपने किसी जूनियर अफसर को आप भेज सकते थे बसों का, मतलब ये तो बहुत ही सारा इंटरलिंक है। इसके बाद में जितना भी, अब जैसे आपने कहा कि उनको सैंक्शन लगाया, लेकिन हम तो रशिया से तो पेट्रोल ले ही रहे हैं, गैस ले ही रहे हैं, इजंट इट, और यूरोप भी ले रहा है फॉर अकाउंट इंफॉर्मेशन, आप समझ रहे हैं कि नहीं? जर्मनी पूरा उसी पे डिपेंड है, अभी भी सब आ रहा, तो ये सारी चीजें हैं फॉरेन पॉलिसी का ही पार्ट है। खैर एनीवे, मेरा प्रश्न ये हुई सर कहा दूसरी बात ये है कि एक पहलू पर मैं आपका ध्यान दे रहा हूँ, जब आईएएस ऑफिसर का प्रश्न पूछ सकता हूँ, जब इट्स नॉट योर चॉइस, आपका नेशन डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ अकाउंट होना, हो सकता है आपको फंड इंडस्ट्री फील आप
सर मैं उसके लिए मैं कंफर्टेबल हूँ, अगर मुझे इस तरह की कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं कंफर्टेबल हूँ। लेकिन इसमें एक पॉइंट सर मैं ये जोड़ना चाहूँगा, जैसे सर अर्लियर कह रहे थे कि आप IFS के रूप में जो मेडिकल स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स थी उसको आप हैंडल कर सकते थे, तो मुझे लगता है अगर मैं IAS भी हूँ तो जो अगर वो वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ लाए जाते हैं फिर उनके लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, किस तरह से हम उनको यहाँ पर एडजस्ट करें अपनी कंट्री को। इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क करना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं करते, मुझे लगता है मैं सर सुटेबल ज्यादा हूँ। जी चलिए दूसरा क्वेश्चन ये कि अभी सर ने आपसे पूछा था जी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बारे में, तो आपने कुछ अमाउंट बताया ये सही है, तो उन्होंने पूछा तो आपने जवाब दिया कि हमारा डेफिसिट है जी, तो क्या ऐसी कोई सिचुएशन है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट हो बट स्टिल इट इज प्रोग्रेसिव इन स्पाइट ऑफ गेटिंग डेफिसिट, आवर बजट आवर इकोनॉमी प्रोग्रेसिव इन वो मूविंग इन ए प्रोग्रेसिव वे, मतलब हमारी जो बजट अगर मान लीजिए हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में इम्बेलेंस भी होता है इन इकोनॉमी के लिए गुड साइन है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है क्या? सर इसमें फर्स्ट चीज तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसका जो डेफिसिट है मैम वो घट रहा है, तो फर्स्ट थिंग इसमें एक ये पॉजिटिव चीज ये है। कहाँ घट रहा है सर? अभी 650 बिलियन डॉलर इम्पोर्ट आपने किया है, 250 बिलियन डॉलर हमारे ऊपर चढ़ गया, इसके पहले 200 या 150 था। तो सपोज एज ए कॉमर्स सेक्रेटरी आप हैं, IAS भी हैं एज ए कॉमर्स सेक्रेटरी, तो आप क्या करेंगे? सर इसमें जिस एक तो हम सर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो हमारी जो डेवलपिंग जी तो जो सर नीड्स हमारी हैं जो आपकी नीड्स इंपोर्ट में इंपोर्टेबल आइटम्स हैं जी, उसमें मेजर कॉन्स्टेंट क्या है? मेजर सर पेट्रोलियम है। जी गुड साइड नहीं, नहीं सर क्या होता तो गुड साइड। सर अगर हम रॉ मटेरियल्स अगर फिनिश्ड गुड्स को हम इम्पोर्ट करते और अपने रॉ एंड अपने जो वैल्यूएबल चीजें हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं, सर मुझे लगता है ये गुड साइन है। फिनिश गुड को इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे? फिनिश गुड्स को इंपोर्ट मशीनरी एक्सपोर्ट होगा अगर आप जी 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 कोई है कुछ ऐसा जी कैपिटल गुड्स को अगर आप ऐसा जी करते तो फिर होता है जल्दी रॉ मटेरियल्स को मैम इम्पोर्ट करना मुझे लगता है ये। अच्छा अभी बताएं आप, अभी आपने हिस्ट्री में आप हिस्ट्री रहा है और आप हिस्ट्री में सही आप पेपर दे रहे हो, एक बड़ा फेमस कोट है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी देन एज ए फास्ट। सर क्या मतलब इसका? मतलब इतिहास अपने आप को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह फिर एक प्रदर्शन की तरह। जी इसका मतलब? इसका मतलब सर यह है कि जैसे अगर इतिहास में पहली बार कोई घटना हो रही है तो हम उसके परिणामों से या कारण जो भी कारण है उससे अवेयर नहीं होते कई बार, तो वो एक त्रासदी का रूप लेती है। जैसे हम 1929 के जो आर्थिक मंदी थी वहाँ पर उन जो भी घटनाएं हुई जिसके कारण वो मंदी आई तो उसके परिणाम के बारे में हम अवेयर नहीं थे, लेकिन अभी जो 2008 की आर्थिक मंदी है या श्रीलंका में जो क्राइसिस देखा जा रहा है, अगर हम उन घटनाओं से सीख नहीं ले पाए और इस तरह की फिर से घटनाएं हुई तो ये एक मजाक का ही सर मैम विषय बन जाता है कि हमें उसे सीख जरूर लेनी चाहिए। जी वेरी गुड। अरे कोई इंटरनेशनल लेवल में ऐसा कोई आपको दृष्टांत मिल रहा है जैसे लग रहा है कि हिस्ट्री से हम यहाँ सबक ले सकते हैं? सर यूक्रेन जी जी यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस है मुझे लगता है वहां से हम एक सीख ले सकते हैं। मेरा पॉइंट इसमें मैम यह है कि जिस तरह से वेस्टर्न पावर्स नाटो का विस्तार कर रही हैं, तो एक तरीके से जो हम गुप्त संधियां कर रहे थे विश्व युद्ध के पहले या दो देशों के बीच गुप्त संधियां सर उसमें हमारे जो टर्म्स उसमें जो दो देशों के बीच या तीन देशों के बीच जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे वो डिक्लेयर नहीं करते थे, वो उनके बीच में ही रहता था। और नेटो का तो बिल्कुल ओपन है कि आप नेटो को सदस्य हो सकते हैं, यूक्रेन तो उसके उसमें पैरामीटर में आता भी नहीं है जी, उसमें ये है कि आपका इतनी GDP होनी चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना सारी चीजें हैं उसमें, यूक्रेन तो आता नहीं है। लेकिन मैम मुझे लगता है कि जो नेटो का विस्तार है तो जो शीत युद्ध की जो मानसिकता थी मेंटेलिटी थी वो उसे कहीं ना कहीं बढ़ाने की तरफ उसका कदम है। किसका? नेटो के विस्तार के लिए से मुझे लगता है। नहीं आप हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ का मुझे बताइए कि उससे इंडिया क्या सीखे, जल्दी से एक लाइन में बताइए।
एक लाइन में मैम यह है कि जिस तरह से मिलिट्री अलाइंसेस या ग्रुपिंग्स बन रही हैं विश्व में, वो विश्व में भी नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तान को भी उस तरह यूरोपियन बात है, यूरोपियन समझते हैं जी जी जी, मतलब वो तो कल्पना की बात है, और कुछ सीख है क्या? और सीख में जिस तरह से जो यूक्रेन और रशिया में जो क्राइसिस हुआ, तो हमें अपने जो पड़ोसी देश हैं वहां पर इस तरह के जो जो भी अप्रिहेंशंस हैं उनको हमें मिल बैठ करके सॉल्व कर लेना चाहिए, वो प्रॉब्लम्स नहीं लेनी चाहिए। आनंद कुमार जी, आनंद मठ के बारे में कुछ बताइए। तो आनंद मठ सुने हैं? सुने हैं। किताब के बारे में, किस बारे में, आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, किस बारे में लिखी गई है वो किताब? सर ये सन्यासी जो विद्रोह हुआ था उस बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ पुस्तक लिखा है। तो उसमें जो सन्यासी रिबेलियन हो रहा था उसमें मेजरली किस ऑर्डर के सन्यासी शामिल थे? शंकराचार्य ने बहुत सारे ऑर्डर्स बनाए, तो उसमें से किसी ऑर्डर को याद कर पा रहे हैं जिस ग्रुप के सन्यासी? गिरी ऑर्डर के सन्यासी जी, जी, जी। तो ये बताइए कि उसमें क्या भारत के बारे में जो उस समय कंपनी रूल चल रहा था उसके बारे में, भारत या बंगाल के बारे में जो बताया जाता है, कैसा डिस्क्रिप्शन है? सॉरी नहीं आइडिया है। चलिए कोई बात नहीं, आपने बीच में बात करते हुए कहा कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के तौर पे कई चीजें डिस्कस की जाती हैं। क्या कोई देश है जो डेवलपिंग नहीं है, जिसका डेवलपमेंट रुक गया हो, कोई ऐसा देश है? ऐसा देश तो पॉइंट आउट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कह रहे हैं क्या उनका डेवलपमेंट रुक गया है? नहीं सर, उन्हें भी डेवलपिंग कहा जा सकता है। अब अगर टर्म्स के लिहाज से देखें तो कहा जा सकता है, पर जो WTO या इन्होंने जो अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं उसके आधार पे हम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग का बंटवारा। बिल्कुल ठीक है। अभी कुछ दिनों से आपका एग्रीकल्चर से भी जुड़ाव रहा है जी। कुछ दिनों से ये न्यूज में आ रहा है कि जो MSP है, MSP से अधिक कीमत पे कुछ फसलें ओपन मार्केट में बिक रही हैं, कुछ अवेयर है इस पे? सर अभी जैसे यूक्रेन रशिया क्राइसिस में देखा जा रहा है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो बाधित हुई है, और यूक्रेन एक गेहूं का अच्छा उत्पादक देश है, तो अभी गेहूं के दाम में सर MSP से ऊपर की वृद्धि देखी जा रही है। और किसी फसल में नहीं, कुछ तिलहन में भी आ रहा है समाचार राजस्थान से कि कई तिलहन प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें भी MSP से ऊपर खरीदी हो रही है ओपन मार्केट में। तिलहन में तो ये सर ये जो MSP के ऊपर खरीदने की घटना है ये मुझे लगता है सर कई सालों से ये इस तरह से देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो MSP से ऊपर खरीदा जा रहा है ये सही है या नहीं है, इससे कुछ समस्या होगी या बहुत अच्छा है ये? सर अगर एक उपभोक्ता के तौर पर देखें मैम तो मुझे लगता है कि उसके जो उत्पाद होंगे उसके दाम बढ़ेंगे, पर अगर किसान की नजर से देखें तो ये एक अच्छा कदम है, मतलब अच्छी चीज है। और चूंकि किसान अभी घाटे में माना जा रहा है, खेती एक घाटे का सौदा है, तो अगर किसी कृषि उत्पाद का दाम बढ़ रहा है तो ओवरऑल मुझे लगता है ये ठीक चीज है। ठीक चीज है। चलिए मेरी तरफ से आखिरी सवाल है, आज 7 अप्रैल है, कुछ विशेष दिन है आज? आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। चलिए मुझे बता दीजिए कि हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे आप? हेल्थ को सर फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग के तौर पर मैं डिफाइन करना चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक्स। ट्रेनिंग आपने शुरू की कि नहीं? ट्रेनिंग के लिए आप गए कि नहीं गए? सर गए हैं, लीव ले लिया, EOA ले लिया। FC किया या FC से छुट्टी ले ली? सर FC से छुट्टी ले लिया था, उसी बीच में सर मेंस FC कहाँ किया, नागपुर में? नहीं सर, फाउंडेशन कोर्स से लीव ले लिया था, उसी बीच में सर मेंस था मेरा ये। अच्छा, इस बार अच्छा, जी अच्छा, जी ओके। आनंद लेट्स क्विकली गो ओवर दिस। अगर ये हाल में एक और इंटरव्यू हुआ था तो आपको कुछ आइडिया है कि किस तरीके से इंटरव्यू बोर्ड को फोर्ट फेस करना चाहिए? एक दो तीन पॉइंट्स आई वांट टू टेल यू। आप इधर की तरफ देख रहे थे, देखिए बोर्ड में जो भी मेंबर्स होते हैं हर आदमी अलग मिजाज का होता है जी, ना? कोई अपना इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है। आपका मकसद है कि आप चारों को एड्रेस करें, ठीक है ना? क्योंकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल आपको अप्रोच दे रही हूँ तो आप मेरी तरफ देख रहे हैं, पर ये गेम है, ये बोर्ड का गेम है। ओके, सो लुक एट इट। दूसरा, आप क्या
आप क्वालिफाई कर गए, आपके पास ऑलरेडी सर्विस है, लेकिन माफी चाहती हूँ जो मैं कहना चाह रही हूँ, थोड़ा सा अपने के अपने बॉडी में थोड़ा सा वो लगते राइट। नेक्स्ट जो ये फॉरेस्ट एरिया वाला क्वेश्चन सर ने रेज किया था बहुत इम्पोर्टेंट था, उससे पहले मैंने पूछा था बहराइच के बारे में, मैंने आपको लीड करने की कोशिश करी और आप वो उसी रास्ते पर चल रहे, फिर जब सर ने कहा तब आपने कहा हाँ वहाँ फॉरेस्ट एरिया बहुत है लिंकेज, ये क्वेश्चन पर आपको बहुत कम्फर्टेबल होना चाहिए क्योंकि हम यू बिलोंग टू बहराइच जी, इजंट इट, आप उसको ठीक से पढ़िए, आपने बहराइच के बारे में ठीक से पढ़ा नहीं है। सिमिलरली सर का जो पब्लिक सेक्टर वाला क्वेश्चन था या जो आपका वेलफेयर स्टेट एंड सब्सिडी वाला था, मैंने आपसे उससे पहले पूछा था कि क्या नरेगा के बाद मोटरसाइकिल आई है, आपने कहा हाँ, आपने कमिट कर दिया, सही है या गलत है अभी हम उस पर नहीं जा रहे, परंतु जब सर ने पूछा सब्सिडी के बारे में तो आपने कहा कि अगर हमारे पास कैपेसिटी हो तो हमको सब्सिडी देनी चाहिए, उससे तुरंत ये लगता है बोर्ड को तो आप श्रीलंका का बता रहे हैं कि डाउन हो रहा है, तो आपका कंसिस्ट तो कितना मास मिला था पिछली बार आपको 184 से गुड मास, अच्छा बहुत अच्छा। मुझे लगता मेरा सर उसमें टेक ये है कि जिस तरह से ब्रिटेन अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है, जीडीपी का वो 9% खर्च करता है, और वो मतलब हेल्थ उन्होंने इंश्योरेंस दिया हुआ है, यूएस ने उसी तरह से ओबामा केयर करके जो स्कीम थी वो उनके यहाँ चल रही है, तो मैं उससे रिलेट करके देखता हूँ कि जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है मुझे वहां से मैं बाहर लेना चाहिए, जी सब्सिडी भी सभी तो वेलफेयर स्टेट स्कीम्स हैं, आपके आपको कॉन्फिडेंस स्टैंड हो क्योंकि आपको या तो आप यू शुड हैव सेड कि जैसे हमने मोटरसाइकिल का क्वेश्चन एड्रेस किया है, नरेगा के फर्स्ट फेज में हमने देखा था कि काफी हद तक इस तरीके की चीजें हुई थी, लेकिन अब नरेगा एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है और एसेट क्रिएशन भी कर रहा है जी, जो कि फर्स्ट फेज ऑफ नरेगा में नहीं था, यहाँ तो मेंस पढ़कर बैठे ना इतनी तो चीजें, एक फैमिली को कितना जॉब मिला, 3 मंथ्स का जॉब मिलता था ना जी, हाँ तो 3 मंथ्स में कितना पैसा होता था, पहले तो सर 100 रुपए वो पर डे का देते थे, अभी तो सरकार करीब 225 रुपए पर डे दे रही है, तो ये मैम जो वो मनरेगा के तो वो अगर कोई कैसे आएंगे मोटरसाइकिल कैसे आएंगी, वो तो आ नहीं सकती है ना, इतना पैसा थोड़ी ना मिल जाता है कि मोटरसाइकिल 50-60 हजार के ले लेगा, एक फैमिली को इतना थोड़ी ना मिलता है, मैम ने पता नहीं उनको जो भी इन्फॉर्मेशन है, तो आप तो ये बोलना चाहिए नहीं हमारी नोटिस में तो नहीं है, आप स्टेट में बोलो, आप समझ रहे कि नहीं, आप बोलो कि हमारी नोटिस में नहीं, कैसे मनरेगा में मोटरसाइकिल मिल सकती है 60 हजार की, नहीं मिल सकती है ना, हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पैसे से दे रही हो, कुछ और कर रही हो, तो आपको तो स्टेट में बोलो, अरे हो सकता है घुमाने के लिए कर रही हूँ, आप समझ नहीं पड़ेगा बोल जो है आपको घुमा रहा है, आपको तो दिमाग में ये लाना चाहिए कि क्या एक फैमिली को कभी 60-70 हजार मिला है, आपने स्टार्ट बहुत अच्छा किया जी, कि तुम्हारे बारे में सभी लोगों ने बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया, मतलब इतना प्रेशर किसी नहीं देता हम लोगों के, स्टिल यू हैव रजिस्टर्ड, सो दैट इज ग्रेट वर्क, हमारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और तुमने जो जवाब दिया अपने इसमें वो तो बहुत मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस योर आंसर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाज वेरी वेल हैंडल, वो बहुत अच्छे ढंग से था, थोड़ा सा मेरे इसमें पूछा आनंद सर तुमने आपसे आनंद मर्जी है तो आप उसमें जो आनंद थोड़ा रिस्पॉन्ड था ना तो हमको राइट साइड तुम रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब सर तुम अगर डेडिकेट किए तुमको एंथुसियास्टिकली नहीं अगर नहीं आता तो स्टेट में मना कर दो, एकदम मना कर दो सर, मुझे लग रहा था वेग आंसर होगा तो इसलिए हमने मना कर दिया, तुमको प्रेशर हम लोगों ने ज्यादा यानी तुमने प्रेशर हैंडल किया, नहीं अभी तुम्हें प्रेशर लेना भी है मतलब क्योंकि आपका आप एक जगह तो आ चुके हैं अब उससे ऊपर जंप करना है आपको, आईएएस में हम लोग देख रहे हैं तो जंप करने के लिए थोड़ा सा काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ओके, एक दो पॉइंट में अभी पॉइंट करूंगा कि एक जगह जैसे उसी पॉइंट पे आ रहा था आप बोले वो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो आप हंसे ना
थोड़ा सा हंसी आई है वीडियो में देखिएगा, वो हंसी रोक सकते थे। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, बोलने के बाद आप थोड़ा सा हंसे हैं, उसको रोक सकते थे आप। एग्जैक्ट मैम ने कुछ बोला आपको तो आप बोले कि आप उसी पॉइंट, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, उसके बाद आपकी जो हंसी थी ना थोड़ा सा वो नेगेटिव टेंज के साथ थी, और एक जगह मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने मैम कह करके संबोधित किया, ये भी वीडियो में देखिएगा। तो एक बार नहीं, तीन चार बार ऐसा हुआ, उनको भी आपने एक बार मैम बोला है, वो वीडियो में आ जाएगा। चलो ओके, ऑल द बेस्ट।